नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी के बाद रकम निकासी पर तय सीमा खत्म। अब रोज 1 फरवरी से 10,000 से ज्यादा रकम निकाल सकेंगे। बैंक से हफ्ते में अधिकतम 24,000 निकासी की सीमा बरकरार। बजट सत्र के दौरान सरकार को नोटबंदी के फैसले पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्र सरकार पेश करेगी बजट। विपक्ष ने कहा, सरकार जीडीपी के आंकड़े छुपा रही है। पूंजी निर्माण घटा है, क्रेडिट ग्रोथ भी हुआ है कम। लोग पूछ रहे हैं नौकरी कहाँ है। अमोल पटनायक बने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। आलोक कुमार को मिली सीबीआई प्रमुख की जिम्मेदारी। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी पटनायक का 3 साल का होगा कार्यकाल। सपा कांग्रेस गठबंधन से नाराज मुलायम सिंह ने समर्थकों से कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय लड़ने को कहा। नाराज मुलायम गठबंधन के लिए प्रचार से पहले ही कर चुके इनकार। सपा ने कहा, मना लेंगे नेताजी को। रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। आसाराम की 11वीं बार जमानत अर्जी खारिज। फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले में नई FIR के साथ 1,00,000 जुर्माने का आदेश। और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CAG विनोद राय की अगुवाई में नियुक्त किए BCCI के 4 नए प्रशासक। इतिहासकार रामचंद गुहा, विक्रम लिमाई और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी भी प्रशासकों में किए गए शामिल। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।